मेरे इससे पहले ही कमल थोड़ा सा डॉक्टर केसी बांगड़ ने सारी ब्रीफिंग आपको दे दी है, इसके अन्यथा अगर आपका कोई सवाल है तो एक एक करके उसको जरूर दें। आप लोगों को क्या मत है, लड़ने का फायदा होगा या बीजेपी के साथ जाने का फायदा? हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हरियाणा प्रदेश के अंदर अलायंस में हैं, दिल्ली प्रदेश में राजनीतिक तौर पर हमारी एग्जिस्टेंस पहले से रही है। युग पुरुष स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी की ये कर्म हुई रही है। ये जमाना शायद आपको याद होगा कि ना केवल लेजिस्लेटिव असेंबली में मेंबर उन्हें जिता करके भेजे बल्कि अनेकों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी उनके सहयोग से दिल्ली में जीत करके देश की बड़ी पंचायत में गए। बीजेपी बनने के उपरांत हमने दिल्ली प्रदेश की इकाई की घोषणा की और दिल्ली प्रदेश के अंदर निरंतर हम काम कर रहे हैं। हम अपने अलायंस पार्टनर को ड्यू रिस्पेक्ट देते हैं और किसी भी अलायंस में होने की बड़ी जिम्मेवारी होती है, उस जिम्मेवारी को निभाते हैं, निभाते रहेंगे। मगर दिल्ली प्रदेश का चुनाव जो है हमारी पार्टी लड़ रही है, लड़ने जा रही है, उस पर पार्टी ने फैसला लिया है। इसी स्टेज पर कोई कम्युनिकेशन स्थापित होगा भारतीय जनता पार्टी के साथ तो निश्चित तौर पर फिर से मीटिंग बुला करके उस पर चर्चा की जाएगी। अल्टीमेट फैसला दुष्यंत जी के माध्यम से डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के पास पहुंचा दिया जाएगा। जो वो फैसला लेंगे उसको सर्वमान्य तौर पर मान करके हम आगे बढ़ेंगे। हम चुनाव लड़ रहे हैं ये आज आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो कौन से ऐसे मुद्दे मानते हैं जिनको लेकर के सरकार की मुद्दे किसानों के मुद्दों को लेकर जाएंगे? गरीबों के, मजदूरों के, विशेष तौर पर आउटर दिल्ली जो है उसमें आम जन जो हाथ से कमाकर अपने परिवार का और अपने पेट का गुजारा करता है उसके मूलभूत अनेकों मुद्दे हैं जिसको लेकर के पार्टी ने मैनिफेस्टो कमेटी का गठन कर दिया है और हम एक प्रॉपर मैनिफेस्टो जारी कर करके दिल्ली की जनता से जो वादे किए। अभी तक बीजेपी से कोई बात हुई है? ये दुष्यंत जी के अधीन बात है। आज की मीटिंग में ये डिस्कस हुआ कि दिल्ली प्रदेश का जो चुनाव है उस पे हमें कैसे आगे बढ़ना है, इस पे कुछ मैनिफेस्टो कमेटी में सर कौन कौन है मानकर चल रही है? आम आदमी पार्टी की तरफ से सुधीर गुप्ता जो सांसद हैं उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है ऐसा लग रहा है उनको उनका जो तैयारी कर ली है कि बीजेपी से जेजेपी उनके सामने आने वाले हैं। आम आदमी पार्टी भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है मेरे छोटे से राजनीतिक अनुभव में मैं इतना कह सकता हूँ कि क्रिकेट की आखिरी बॉल पर राजनीति के अंतिम चुनाव के दिन पर क्या हो जाए ये ना मुझे पता और ना सर कल क्या हो जाए, मगर दिल्ली में हम बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इस बात के लिए बड़े विश्वास से मैं कह सकता हूँ। सुशील गुप्ता जी क्या कह रहे हैं ये उनका वो सर मैनिफेस्टो कमेटी में कौन कौन है, दिल्ली में चेहरा कौन होगा आपका? दिल्ली के अंदर हम दुष्यंत चौटाला जी के नाम पर चुनाव लड़ेंगे। दुष्यंत चौटाला जी एक ऐसे यूनिवर्सल राजनीतिक तौर पर चेहरा बन चुके हैं, प्रदेश में ही नहीं, उत्तर भारत में नहीं, पूरे भारत में। ही इज़ अ यूनिक एग्जाम्पल जो एक नए एनर्जेटिक डायनेमिक लीडर के तौर पर उभरे हैं। उनकी छवि और हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत हमें निश्चित तौर पर जीत दिलाने जा रही है। ये बात नहीं कमेटी आवेदन भी लेने हैं 2 से 3 दिन के अंदर अपनी सारी रिपोर्ट के पंक्ति कर कौन प्रत्याशी हो पार्टी के उनके सभी के नाम दुष्यंत जी तक। थैंक यू सर। थैंक यू।